इवनिंग दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम एकदम नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, मसूर की दाल की ताजी बड़ी। ताजी बड़ी आपने वैसे बहुत तरह की खाई होगी जो रेडीमेड मिलती हैं बाजार में, या फिर आप घर में ही बना के रख लेते हैं सुखाकर, लेकिन अभी हम इनको फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, इम्यून पावर को बढ़ाती है। इसलिए आइए दिखाते हैं हमने क्या लिया है। ये देखिए, ये हमने लिया है दाल को भिगोकर और मिक्सी में चलाकर, ये है मसूर की साबुत दाल। इसके हमने छिलके नहीं निकाले हैं। इसके साथ हमें चाहिए इसके लिए सब्जी बनाने के लिए क्रीम, जो ताज़ी निकाली है हमने अपने घर से, और हमें थोड़ा सा एक कटा हुआ टमाटर चाहिए, और हमें चाहिए एक कटा हुआ प्याज, और ये हमारे पास है अदरक का पेस्ट और धनिया, और ये है हमारा आधा नींबू का रस जो हम डालेंगे इसमें। और छौंकने के लिए हमें चाहिए राई यानी सरसों के दाने, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च, और हमें चाहिए ये ऑयल, दो चम्मच ऑयल लिया हमने इसे छौंक लगाने के लिए सब्जी को। अब देखिए हम बढ़िया ताजी कैसे बनाएंगे, मैं आपके सामने ढक्कन उठाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने ये ताज़ी बढ़िया बनाई है इसके ऊपर इस दाल के पेस्ट से। तो हम अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और तेल लगा करके पहले हम देखते हैं पक गई है हमारी। नीचे हमने इसमें देखिए स्टीम है, स्टीम में हमने इसे पकाया है। नीचे इस तरह की एक जाली रखेंगे, जैसे ये जाली है, इसके ऊपर एक कपड़ा आप चाहें तो दोहरा भी और एक गहरा, दोनों तरह से आप रख सकते हैं। ये मैंने नया कपड़ा लिया है धो करके इसके ऊपर रखा है। इस तरह की जाली आप रखेंगी, उसके ऊपर आप इसकी छोटी छोटी बड़ियाँ बना करके इस तरह से गोल करके हाथ में इस तरह से आप इसके ऊपर रखते जाएंगे, और ये आपकी बड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखिए मैं इस तरह से गोल करके आपके सामने रख रही हूँ, ये पक गई हैं, हम इनको अलग कर देंगे इसके ऊपर स्टीम में। इसी तरह से हम रखते जाएंगे सभी बड़ियों को, थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे हाथ पर ऑयल लगाकर इस तरह से हम इनको यहाँ रखते चले जाएंगे, तब ये और बन जाएंगी। इनको हम निकाल लेते हैं, देखिए हम बनाते हैं इनको कैसे बनाना है, कि हम सब्जी बनाएंगे। और इनको हटा देते हैं हम यहाँ से, और इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये 2 स्पून ऑयल डाल दिया हमने। इसके बाद इसमें डालेंगे हम राई के दाने। इसके ऊपर हमारी जब तक बढ़िया और हो जाएंगी तो उसके गैस पर हम रखते हैं। ये राई के दाने हमने लिए हैं 1 चम्मच, ये हमने छोड़ दिया इसके अंदर। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, और खाते हैं तो प्याज आप डाल सकते हैं। इसके बाद टमाटर, लास्ट में अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हरी मिर्च, और फिर डालेंगे हम इसमें चलाने के बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मिर्च। तो देखिए थोड़ा ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन होने पर ही हम इसको निकाल लेंगे, हल्का से सोते करेंगे, और उसके बाद हम इसमें छोड़ते जाएंगे एक एक करके बढ़िया। हम अपनी बढ़ियों को छोड़ रहे हैं जो हमारी इसमें इस तरह से भाप में बन चुकी हैं बढ़िया, हम इनको उसमें डालते जा रहे हैं। ये सारी बढ़िया हमारी भाप में हो चुकी हैं, इसमें बनने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है, काफ़ी समय में आपके 2 मिनट लगते हैं। आप इसको बिना इसके पानी डाले और इसके खा सकते हैं सूखी भी, और अगर आप खाना चाहते हैं इसको इसी तरह, तो उसके बाद आप इसमें नमक डालेंगे। मिर्च डाल दी मैंने 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, और अपने इसे चला रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये हमने तेल डाल दिया है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तेल वाले बर्तन में है, इसको हमने चला दिया है, और ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। इस तरह से आप इसे खा सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितनी पौष्टिक है। इस तरह की हमारी सब्जी बन चुकी है, इसको सर्व करेंगे हम इस बाउल में। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट बस इसे पकाते हैं, इसको इसी तरह रख लेते हैं इसके अंदर। देखिए हम सर्व कर रहे हैं, अब इसको इस तरह सर्व कर लीजिए, और इसको आप रोटी से, चपाती से, या रूखी भी आप खा सकते हैं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। इस
वैसे ये ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये बन चुकी है हमारी सब्जी। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से धनिया भरक देंगे, ये धनिया है गार्निशिंग के लिए। ऐसे ही हम सब्जी में डाल देंगे बचा हुआ धनिया। ये हमारी सब्जी रेडी है, हम गैस को बंद कर देंगे, इधर की गैस भी हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, कैसी लगी आपको दोस्तों ये सब्जी, आप खा के बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपको इसी तरह नई नई रेसिपी लेके मैं आती रहूँगी। देखते रहिए, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।